झारखंड के लोहरदगा से एक बड़ी खबर आ रही है। यहाँ फिर आईईडी विस्फोट हुआ है। यह घटना लोहरदगा लातेहार के गोताप बुलबुल सीमावर्ती क्षेत्र में घटी। इसमें एक नक्सली मारा गया है। इससे पहले आईईडी विस्फोट में सीआरपीएफ के 3 जवान घायल हो चुके हैं। घटना सोमवार यानी 14 फरवरी के दोपहर 2:30 बजे के आसपास की बताई जाती है। जानकारी के अनुसार भाकपा माओवादी छोटू खेरवार ग्रुप के सदस्य पुलिस जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए आईईडी को अन्यत्र शिफ्ट कर रहे थे। इस दौरान इसमें विस्फोट हो गया। विस्फोट में एक नक्सली मारा गया। हालांकि इसकी पुष्टि अभी तक किसी पक्ष ने नहीं की है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।